अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, सेफ हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान के साथ, सेफ गुरुद्वारास एंड टेम्पल्स ऑफ पाकिस्तान पंजाब पेज, ये है मेरा पाकिस्तान, पिशावरी सिंह एंड सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान। आज मैं आया हुआ हूँ एबटाबाद में। मैं एबटाबाद सिटी में हूँ, पुराने शहर के अंदर हूँ। ये देखें आप, ये जगह जो है वो, ये गली जो है, ये जो आपको सारा कुछ नज़र आ रहा है, ये वहाँ पर कभी खालसा फ्लैग होता था, खालसा का झंडा होता था। ये जगह जो गली है, इसका नाम जो है वो गुरुद्वारा गली है। गुरुद्वारा गली इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता, गुरुद्वारा गली इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर माजी का एक मशहूर गुरुद्वारा, जो लोग एबटाबाद से माइग्रेट करके गए हैं वो इसके बारे में जानते होंगे, और ये था गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा जो मोमेंट थी उसके मार्ज़े वजूद में आता है, जबकि बहुत ज़्यादा सारी तंजीमें जो हैं वो 1890 के बाद जो थी वो बननी शुरू हो गई थी, जैसे कि मुस्लिम्स के लिए जो थी वो अंजमन हमायत इस्लाम थी, और हिंदुओं में आर्य समाज निकली, और सिखों में जो थी वो गुरु सिंह सभा, जो गुरुद्वारा सुधार लहर थी उसके तहत जो है वो ये सारा कुछ हुआ था। मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स जो है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ इस वक्त वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। माजी के कुछ पन्ने ऐसे हैं जिनके ऊपर से पर्दा उठाने के लिए मैं जा रहा हूँ, और आप देखेंगे तो शायद खुश भी होंगे और कुछ लोग मे भी इससे नाराज़ हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन हिस्ट्री के फैक्ट्स जो हैं वो सब कुछ खुद बताते हैं, आप हिस्ट्री को मिटा नहीं सकते। 67 ईयर्स गुजरने के बाद भी इस गली का नाम आज भी गुरुद्वारा गली है, और ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये आर्या समाज मंदिर की है। आर्या समाज मंदिर के मुतलिक मैं आपको कुछ बताता चलूँ कि ये हिंदुइज़्म में से अलहदा होने वाले वो लोग थे जिन्होंने बुद्ध पूजा छोड़ दी थी। मंदिर राइट ऑन समाज एंड आर्या, आर्या समाज मंदिर एंड एवरीवेयर ऑन द टाइल टॉप ऑफ द ओम, द वर्ड राइट ऑन इज द ओम। ये तकरीबन आपको ओम हर जगह पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने एवरीथिंग डिस्ट्रॉय कर दिए, हर चीज़ को ख़त्म कर दिया, आप देखें ऐसा नहीं है। 67 ईयर्स के बाद भी ये स्ट्रक्चर फुली खड़ा हुआ है। स्कूल देखें, इसकी कोई बैड यूज़ नहीं है। मैंने पहले भी आर्या समाज मंदिर दिखाए हैं तो उसमें स्कूल थे, आज भी आप देखें तो ये कितने प्यारे तरीके से, कितने अच्छे तरीके से इसको एज ए स्कूल प्रेजेंट किया जा रहा है। सर, तो सर बड़ी खुशी हुई, बिल्डिंग बड़ी अच्छी है, अच्छी हालत में है, और ज़रा आप दोबारा अपना नाम बताएंगे प्लीज़। अब्दुल वहीद, एडीओ सर्कल एबटाबाद। अच्छा, तो सर कब से ये बिल्डिंग आपके पास है? ये सर्कल का चार सर मैंने अपना 1 जनवरी 2014 को संभाला है। 2014 को जी जी सर। इससे पहले okay. सर्कल मेरे पास सर्कल एबटाबाद। ओके, आइए। अच्छा, तो ये मैं स्कूल की विजिट के लिए आया हूँ। अच्छा, वो प्रे हो रही है अंदर ना? हाँ, प्रे हो रही है। बड़ा अच्छा स्टाफ है जी। तो आपका तारुफ। सर मैं सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान के लिए काम करता हूँ। अच्छा, सेव चिल्ड्रन के साथ है? सेव चिल्ड्रन के साथ नहीं हूँ सर, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान। मैं मास्टर फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, और मैं जितनी भी तारीखी इमारतें हैं। नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। आई एम आल्सो द स्टूडेंट ऑफ एमएमएल एजुकेशन। हां, तो एमएमएल मेरा भी इंशाल्लाह दारा यूनिवर्सिटी, और मुझे ऑफर है वैसे। अच्छा, कि आप इधर से करें। अच्छा, लेकिन लेट्स सी, आप चले जरा, आपसे अंदर मुलाकात होती है। मैं आर्या समाज के मतलब जरा बात कर लूँ इतनी देर। हाँ, मैं आता हूँ। अच्छा, ईडीओ साहब भी एकदम से जो है वो आ चुके हैं, और जो है वो उनसे भी मुलाकात हो गई। खैर, काफ़ी बातें शेयर होंगी। ये आप देखें, ये हाँ, ये देखें आप, आर्या समाज मंदिर जो लिखा हुआ है, अगर लोगों ने ख़त्म करना होता तो ये वर्ड्स पहले सबसे ख़त्म किए जाते। ऐसा नहीं है, मुसलमान सारे लोग शरारत करने वाले नहीं हैं, हमारे मुसलमान भाई बहुत अच्छे हैं। एक दिन यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ और इस बिल्डिंग में आग लग गई थी, 2005 की बात है, जिससे इसकी रियल छत जल गई थी, लेकिन आज भी
ये स्कूल जो है वो ये देखिए आर्य समाज मंदिर जो है एज ए स्कूल यूज हो रहा है ना। नवीद साहब और ज़ियारमान साहब और दरमियान में है ईडीओ स्कूल। तो बड़ी खुशी हुई सर आप लोगों से मिलके और बड़ा अच्छा लग रहा है कि तमाम नॉन मुस्लिम के जो हेरिटेज है उसके अंदर मैंने देखा ज़्यादातर स्कूल बने हुए हैं। तो बड़ी खुशी होती है देख के। ये मैसेज है उन लोगों के लिए स्पेशली जो लोग कहते हैं कि भी मुसलमान जो हैं वो ज़्यादा टेररिस्ट हैं और जो बिल्डिंग्स हैं जो जगह हैं वो लोग तोड़ देते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है सर, ये हमारी इस्लामी रवायात है कि हम अपने अबा व अजदाद की वसी को बड़े संभाल के रखते हैं। अच्छा ये बच्चे जो हैं वो कल का आने वाला मुस्तकबिल है हमारे। हमारा कल है, हम आ जाएं ये हमारा कल है। और वो कौम नहीं लाए कि हंगामा है फर्दा जिस कौम की तकदीर में अमरोज नहीं, वो कल के गम वैश पे कोई यक नहीं रखता, वो आज को दफो जिसे को सोच नहीं। तो ये हमारा कल है, हम आज हैं। और जो कौमें अपने आज को अपने कल पर कुर्बान करने का ढंग जानती हैं वो हमेशा सारे तरक्की पर रहती हैं इंशाल्लाह। Oh!
बहुत शुक्रिया बच्चों, बहुत अच्छा लगा। एक एक ये देखें आप, ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करने के लिए आए हैं यहाँ पर, और इनके दिन का आगाज़ है इस वक्त, और ये बच्चे घर से सीखने के लिए आए हैं। आप देखें कि यहाँ पर जो जो मकसद था, एक जगह का मकसद होता है कि यहाँ पर लोग पहले भी दुआ करते थे, आज भी यहाँ पर दुआ हो रही है। यहाँ पर पहले आर्या समाज मंदिर था, आज स्कूल है। अगर आज स्कूल है तो उसका कितना अच्छा यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर कोई आर्या या हिंदू अब सिख यहाँ पर इस शहर के अंदर नहीं रहते लोग, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक पीसफुल मैसेज मैं पूरी दुनिया के लिए यहाँ पर देने के लिए आया हूँ कि यहाँ की इंतज़ामिया बहुत अच्छी है। यहाँ के स्टूडेंट्स आप देखें, इन्होंने इस जगह से प्यार करते हैं और ये यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। मेरी दुआ है कि कल ये अच्छे शहरी बने और अच्छे स्टूडेंट्स बने और पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करें। और ऐसी जगह जहाँ पर मतलब कि कोई जो है पहले आना पसंद नहीं करता था, आजकल वहाँ पर स्कूल बने हुए हैं। और आप लोग दिल से पढ़ो, कल को बड़े आदमी बनो, अच्छे आदमी बनो, अच्छे शहरी बनो। मेरी दुआएँ आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये फायर प्लेस थी यहाँ की, ये फायर प्लेस थी यहाँ पे। अच्छा अच्छा सर, कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं बिल्डिंग्स को करवाने में, रेनोवेट करवाने में, आप प्लीज़ तशरीफ़ रखें। तो रेनोवेट करने में, तो क्या ये 2005 में पता चला था कि ये स्कूल को आग लग गई थी शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो इसकी लकड़ी की छत थी वो जल गई। तो अगर भी कोई अब कोई आर्या समाज में से, पाकिस्तान से या अमेरिका से या इंग्लैंड से, कनाडा से, बहुत ज़्यादा सारे लोग कांटेक्ट करते हैं कि हमें कोई सेवा बताएं, तो आप बताएं कि अगर कोई उनमें से कोई एनजीओ या कोई शख्स पर्सनली, जैसे गंगाराम के इनहेरिटर्स जो हैं वो उनके लिए उसको वो पूरा करने के लिए अभी भी वो पैसे भेजते हैं और उसको मेंटेन किया जाता है, बहुत सारे सारी बिल्डिंग्स को मेंटेन करने के लिए जिनके फोर फादर्स की हैं, तो कोई ना कोई इस मंदिर को भी बनवाने वाला होगा आर्या समाज को, तो अगर कोई इसको रिपेयर करवाना चाहे तो सर करवा सकता है या कुछ किसी? वो सर करवा सकता है, लेकिन ये हमारे जो इस वक्त के डीओ हैं, डीओ अज़ियाउद्दीन साहब, उनकी परमिशन से, क्योंकि वो इस सर्कल के इस डिस्ट्रिक्ट हेड हैं। अच्छा सर, आप उनका कोई फ़ोन नंबर बोल दें, ताकि मैं तो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, अगर कोई करना चाहता तो उनसे डायरेक्टली बात कर लें। मैं आपको नंबर दे दूँगा। चलें ठीक है, उसका उनका नंबर मिल जाएगा। अच्छी बात के लिए हम इंशाल्लाह। हाँ, ताकि ये बाहर से तो बहुत अच्छी, अभी तक ऐसे लगता है जैसे बहुत वेल मेंटेन है, लेकिन कलर भी अच्छा हुआ हुआ है और सारा कुछ अच्छा है, मैं बड़ी खुशी हुई है देख के। हाँ जी, ये 1935 या मेरे ख्याल जी उसी वक्त जब ये मोमेंट्स वगैरह अरूज पे थी, तो तभी ये बनना शुरू हुए थे, क्योंकि मैं लाहौर में मैंने दो जगह दिखाई हैं, मंडी बावलदीन में आर्या समाज मंदिर दिखाया है। तो बड़ी खुशी हुई है जी आपके अमले से भी और आपसे भी मिलके, और ज़िया साहब भी माशाल्लाह बड़े कोऑपरेटिव हैं, और बड़ी खुशी हुई है, और आपने भी वेलकम वार्मली कहा अमूमन, क्योंकि आ रहा था मैं स्कूल की विजिट के लिए आ रहा था एक्चुअली, एंड दो मैं ड्यूटी में हूँ, मैं इधर इलेक्शन की ड्यूटी में हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी जो है तो थोड़े से शहर के अंदर जो स्कूल है उनकी मैं विजिट कर लूँ, अपने साथ साथ मैं बच्चों को देख लूँ। ये एनरोलमेंट के दिन हैं, ये एनरोलमेंट हमारी अब जब जो है वो यकम इसकी तकरीबन 8 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक थी, उसका भी मैं कुछ देख रहा था कि कितने बच्चे जो है हमारे पास नए एनरोलमेंट। जी मैं आपको दिखा रहा था आर्या समाज मंदिर, जो कि प्री पार्टीशन था 1947, और उसके बाद ये स्कूल जो है 60s में डिक्लेयर हुआ, और ये प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पर बच्चों की तालीम और तरबियत होती है। आई थिंक दैट्स अ गुड कॉज, अगर तमाम गुरुद्वारे तमाम मंदिर जो हैं वो स्कूल के लिए, मदरसे के लिए, या तरीके के लिए, अच्छे काज के लिए यूटिलाइज किया जाए, तो ये मेरे ख्याल में अच्छी बात है। मैं देखें जी, ईडीओ साहब का भी यही पैगाम है, अल्लाह करे सब लोग इसी तरह सुने हम, और एक दूसरे की मजहबी जगहों का जो है वो एहतराम करें। अगर कोई हिंदू है तो उसको चाहिए मुसलमानों की मस्जिद का एहतराम करे, अगर कोई मुसलमान है तो उसे चाहिए कि वो सिख के गुरुद्वारे की जो है वो एहतराम करे। हमें टॉलरेंस लेकर आना नो, है नो, सर, हमारा मजहब इस्लाम जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनकलाब लाया था वो जोड़ने वाला था, वो एक दूसरे से उन्होंने कभी इस तरह नहीं कहा कि मुसलमान आपस में या दूसरी कौमों के साथ इस तरह लड़ें झगड़ें। बहुत शुक्रिया जी, उन्होंने इत्तफाक का, इत्तेहाद का पैगाम दिया। जी सर, मैं थोड़ा सा ये आउटलुक दिखाता हूँ यहाँ से कि भी यहाँ से किस तरीके से, सर आप अपना ब्रीफ
ये है जी इसकी वो बालकनी जो बाहर से मैं आपको दिखा रहा था, और ये वाले वो सारे जो है एविडेंस हैं जिनके जिनकी वजह से जो लिखा हुआ जो मैंने आपको दिखाया आर्या समाज मंदिर, ये वो बाहर के व्यू थे। और ये मैं कॉरिडोर जो है वो इतना तंग है कि यहाँ से हम दिखा नहीं सकते। ये जो आगे बिल्डिंग नज़र आ रही गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, और ये बरामदा है गुरुद्वारे का, और ये गली है जिसको कि गुरुद्वारा गली कहा जाता है। ये लिखा हुआ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गुरुद्वारा गली एबटाबाद। मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, देखते रहिए सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारा एंड टेम्पल्स ऑफ पाकिस्तान पंजाब पेज। ये है मेरा पाकिस्तान, पिशावर सिंह, हमारे खाने, हमारी पहचान, तमाम चीज़ों के साथ मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी।